आयु कर्म की उत्तम से अपाति की जो निश्चित बताइए तो क्रियमान कर्म होते फिर वो कर्म निश्चित है जो आयु कर्म ये पाठ की जो निश्चित बताइए हाँ। तो जो क्रियमान कर्म करते हैं वो तो रहेगा ही वो कहाँ जाएगा निश्चित बताइए तो क्रियमाण कर्म से आप अधिक दिन नहीं जी सकते लेकिन आपको 50 साल जीना है उसकी साधना कर सकते हैं आप वो कौन रोकेगा जीव ऐसा है देखो यू समझो एक गाय है भैंस है एक बंदर है उसको हम रस्सी में बांध देते हैं तो उसकी जो 4 फुट 5 फुट 10 फुट 20 फुट की रस्सी है उसके अंदर वो चल सकता है खड़ा हो सकता है बैठ सकता है हंस सकता है रो सकता है सब कुछ कर सकता है लेकिन स्वातंत्र की लिमिट है तो जीव में अणु स्वातंत्र है माने कुछ मात्रा में स्वतंत्र है ये कर्म करने में और भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र है इतना फर्क है जीव ब्रह्म में तो अणु स्वातंत्र जो जीव को है उसमें कर्म करने का अधिकार प्रमुख है और इसी आधार पर भगवान ने वेद को प्रकट किया तुमको ये करना है तुमको ये करना है तुमको ये नहीं करना है क्योंकि अगर हमें कर्म का अधिकार न होता तो हमारे पिछले जन्म के कर्म कैसे कहे जाते फिर तो एक ऐसा मानना पड़ता कि एक कोई भगवान है वो जबरदस्ती हमारे एक कर्म अपनी ओर से लिख देता है हमारी गलती नहीं हमने कोई गलत काम नहीं किया है क्योंकि हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि आयु कर्म से विस्तन तो अगर हम कुछ कर ही नहीं सकते तो ये प्रारब्ध आएगा कहां बनेगा कैसे पहले भी नहीं किया होगा फिर तो और कभी भी नहीं करेंगे आगे भी तो प्रबंधन क्यों है फिर मोक्ष के साधन क्यों बताया जा रहा है शास्त्र वेद में तुम परिश्रम करो मेहनत करो साधना करो इसका मतलब कर्मबंधन है और कर्मबंधन है का मतलब हमने कर्म किया है पहले और पहले किया है तो आज भी करेंगे तो कर्म करने में जीव स्वतंत्र है इसमें एक परमाणु भी किंतु परंतु नहीं है प्रारब्ध जो आएगा आता रहेगा लेकिन हम अपना कमाई करने का हमको पूरा अधिकार है अगर बाप कर्जा करके मरा है तो हम कमाई करके उसको भरे अगर बाप रुपया छोड़ गया है हमारे लिए तो हम उतना तो हमको मिल गया आगे कमाई करें कमाई हमारी करने वाली जो बात है वो हमको अधिकार प्राप्त है इसी आधार पर ही शास्त्र वेद के उपदेश हैं भगवान के उपदेश हैं संतों के उपदेश हैं ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो कर्म करने में स्वतंत्र न हो जीव तो पूरी थियरी पागलों की हो जाएगी सृष्टि का अभिप्राय क्या किस आधार पर सृष्टि हुई है जब कर्म ही नहीं थे हम लोगों के पाप पुण्य ही हमने कोई नहीं किया तो संसार में हम लायक हो गए फिर हमारे लिए उपदेश क्यों दिया जा रहा है वेदों का